हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एम स्टडी पर। और आज हम बात करने वाले हैं फिर से टेस्ट पेपर एनालिसिस के बारे में। और अगर दोस्तों आपने कोरोना वायरस पर अपना वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर आप उसे देखें और अपने साथियों के साथ में भी उस जानकारी को शेयर करें। और एक उसमें और भी नई अपडेट है तो वो मैं क्लास के बाद में सबसे लास्ट में बताने वाला हूँ। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। टेस्ट पेपर एनालिसिस में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है, एक से लेकर के तीन तक, इनमें एक ही मेथड लगाना है। निम्न प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या को चुनना है जो इस टाइप से संबंध रखते हो। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है दोस्तों पी, उसके आगे दिया गया है आपको एस और क्यू और आर, और इसका संबंध कुछ इस टाइप से दिया है सी एफ ई डी। और उसी प्रकार से आपको संबंध बताना है यहाँ पर जे एम के एल के, और आगे भी इसी टाइप का संबंध हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पी का क्यू और क्यू के आगे आर, और आर का क्या हुआ है इधर एस, यहाँ पर सी का डी, डी के बाद में ई, और ई के बाद में क्या हुआ है एफ। यहाँ पर ये और ये बिल्कुल एज इट इज मिल रहे हैं, जे के बाद में के बाद में एल और एल के बाद में एम। तो हमें ऑप्शन की सहायता से भी हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। ऑप्शन की सहायता से कैसे, इस टाइप का पैटर्न हमें चलाना है। तो पहला ऑप्शन है सी के बाद में डी अंतिम में आना चाहिए, तो यू के बाद में सबसे लास्ट में वी आना था, वो जेड गलत है। बी ऑप्शन की बात करते हैं तो वाई के बाद में जेड आना था, इसलिए गलत है, और वाई का डब्ल्यू के साथ भी गलत है। और डी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट कैसे बैठ रहा है, W, Z, Y और X। तो यहाँ पर W का X होना था, X का Y और Y का क्या होना था Z, तब जाकर के इस टाइप का पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता। तो इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, फर्स्ट में D आएगा। विकास जी पटेल साहब, अमन जी जांगिड साहब, मंजे जी और शीतल जी, शंकर जी मीना साहब और राम विकास जी मीना साहब का सबका हार्दिक स्वागत है एम स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो पहला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा था। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा है। नहीं, वही लगाइए सर स्लाइड, ये चौथा पांचवा क्वेश्चन हो गया, उसमें एक दो तीन चार ऐसे लिखे हुए हैं क्वेश्चन। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें संबंध बताया गया है। संबंध क्या बताया गया है, 61 का संबंध यहाँ पर किससे दिया है, 121 से। और आपको संबंध बताना है उसी प्रकार से किसी संख्या का जिसका 337 से संबंध हो, 337 से, 38 नहीं 87 नहीं है, 337 है यहाँ पर। अब देखिए ये क्या है, ये 4 का क्यूब और उसमें से -3 है दोस्तों। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, -3 करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 61। ये 5 का क्यूब, 5 का क्यूब और माइनस क्या है 4, मतलब 125 में से क्या घटाया 4, तब हमें क्या मिले 121। तो इधर भी बिल्कुल उसी तरीके से देखना है, ये किसका 7 का क्यूब होगा और उसमें से माइनस क्या घटेंगे 6, तब जाकर के हमें क्या मिलेगा 337, मतलब 343 में से मैं 6 घटाऊं तो मुझे 300 क्या मिलेंगे 37। तो इससे पहले वाली संख्या का हमें निकालना है, किसका निकालना है, 6 का क्यूब करना है और उसमें से माइनस क्या करने हैं, 1 कम करने हैं, -5 ही करने हैं। तो 216 में से -5 करूं तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 211। 211 है वो इसका सटीक उत्तर होगा जो कि ए ऑप्शन में है। 241 गलत हो जाएगा, 241 गलत हो जाएगा इसका ऑप्शन, 211 आएगा। 216 में से कितने घटाए अपन ने, 5, इन सब का क्यूब करना है, 4 का 5 का 6 का और 7 का, और उसी प्रकार से संख्या एक एक कम घटानी है इसमें से, और वही घटा के हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर, यह इसी में दिख रहा है। मोमबत्ती का संबंध 32 से है, मोमबत्ती का संबंध किससे है, 32 से है। तो उसी प्रकार से आगे का जोड़ा हमें ढूंढना कि किसका संबंध किस प्रकार से किससे होगा। मोमबत्ती के अंदर ही बत्ती होती है, बत्ती नहीं होगी तो मोमबत्ती नहीं बनेगी। तो हथौड़े के अंदर कील नहीं होती है, बिजली के अंदर बल्ब नहीं होता है, ओवन के अंदर आग नहीं होती है, बिना आग के ही ओवन चलता है, और साइकिल के अंदर पहिया होता है। इसलिए थर्ड का उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन। थर्ड का उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन थर्ड का, अमन जी जांगिर साहब। इसी के साथ में बढ़ते हैं आज के चौथे और पांचवे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा और पांचवा क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाया जाए सर जी। इस क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर, संख्या या युग्म या संख्या को चुनना है। तो देखिए
यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में हमें तीर दिया है, मिसाइल दिया है, गोली दी है, तलवार दी है, तो इनमें से चौथे क्वेश्चन में क्या ऑप्शन आप सिलेक्ट करने वाले हैं? तीर को भी छोड़ा जाता है, मिसाइल को भी छोड़ा जाता है, गोली को भी छोड़ा जाता है, लेकिन तलवार को चलाया जाता है, छोड़ा नहीं जाता है, तलवार हाथ में ही रहती है। तो इसलिए चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा, दो चौथे प्रश्न का उत्तर, उसका उत्तर होगा सी। उसका उत्तर क्या होगा? सी। आपका तरीका उसमें ऑप्शन नहीं है, तरीका कुछ भी हो, अब नए नए तरीके बना सकते हैं, हम हजार तरीके बना सकते हैं, तरीके संख्याओं से कैसे भी घुमा करके हम ला सकते हैं, 8 का स्क्वायर बना सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, लेकिन ऑप्शन नहीं है 241। तो हाँ, थर्ड में डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है, मंजे जी ने सी ऑप्शन बताया है। पांचवा है, पेच है, हथौड़ा है, पिन है और सुई है, तो इनमें से कौन सा अलग होगा? तो पेच है वो भी लगाया जाता है, सुई भी लगाई जाती है, हथौड़ा लगाया नहीं जाता, पिन भी लगाई जाती है, तो यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन के अंदर अपना उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन, हथौड़ा होगा दोस्तों। पांचवें क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? बी, बिल्कुल सही बताया जांगीर साहब ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा है और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, और फटाफट से उसका आंसर आने दीजिए। निम्न में से कौन सी आकृतियां हैं जो पृष्ठ, अध्याय और किताब के बीच के संबंध को स्थापित करती है? पृष्ठ, अध्याय और किताब के बीच के संबंध को स्थापित करती है। अब देखिए, पृष्ठ भी किताब में होंगे, अध्याय भी किस में होंगे? किताब में, लेकिन अध्याय किसके अंदर होगा? पृष्ठ के अंदर। अध्याय किसके अंदर होगा? पृष्ठ के अंदर। तो सबसे पहले तो अध्याय बनाऊं मैं, सबसे पहले तो क्या बनाऊं? अध्याय, और उसको किस में डालूं मैं? पृष्ठ में, और पृष्ठों को किस में लगाऊं मैं? किताब में। पृष्ठों को किस में लगाऊं दोस्तों मैं? किताब में। तो ये मेरा उत्तर होने वाला है। रवि कुमार जी को वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है रवि कुमार जी आपका। और इसके लिए जो ऑप्शन होगा दोस्तों, वो डी ऑप्शन होगा अपना, करेक्ट आंसर डी, डी है वो इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल मंजे जी, शीतल जी, रवि जी ने सबने बहुत ही लाजवाब उत्तर बताया है। चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए सर, और फटाफट से दोस्तों अपने अपने उत्तर आप आने दीजिए जल्द से जल्द। यदि JCRPMSOI को कोड दिया गया है, यहाँ पर क्या SPSRPOMJIC, तो उसी भाषा के अंतर्गत दोस्तों DMOPSTXURCNQ का कोड क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और अपने संतोष कुमार जी को वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है संतोष जी आपका। किरण देवी जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। अमन जहांगीर साहब ने पांच में डी, बहुत ही लाजवाब उत्तर है। तो ऐसे ही लाजवाब उत्तर आने दीजिए। देखिए यहाँ पर जो के जो शब्द हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए जे भी है, सी भी है, आर भी है, पी भी है, एस भी है, एम भी है, एस ओ आई, सारे के सारे, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है वो अंग्रेजी माला का, अंग्रेजी वर्णमाला का घटता क्रम है, अंग्रेजी वर्णमाला का अवरोही क्रम बोल सकते हैं अपन इसको। कौन सा क्रम बोल सकते हैं? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे पहले बड़ा लेटर, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा लेटर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? एक्स दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ा लेटर कौन सा दे रहा है? एक्स। तो हमारे आंसर की शुरुआत ही एक्स से होगी। एक्स के बाद में कौन सा दे रहा है? यू। अब ऐसा दो ऑप्शन वाला हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में, और कोई ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा है, तो मैं इसको पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट उत्तर दे सकता हूँ। यू के बाद में देखिए क्या है? टी। टी के बाद में क्या है? एस। उसके बाद में क्या है यहाँ पर? आर। उसके बाद में क्या है? क्यू। उसके बाद में क्या है? पी। उसके बाद में क्या है? ओ। उसके बाद में क्या है दोस्तों? एन। उसके बाद में क्या है? एम और डी, और क्या है? सी। ये अपना उत्तर होगा, सही उत्तर सी ऑप्शन, इसका करेक्ट लाजवाब उत्तर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केशव जी गुजर साहब का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और स्वागत है केशव जी आपका एम स्टडी यूट्यूब चैनल में। अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जल्द से जल्द जवाब आने दे। ये अनुक्रम है, आपको यहाँ पर रोमन संख्या दे रखी है। यहाँ पर एक नई चीज आपको जानने को मिलेगी दोस्तों, नई चीज बहुत ही अच्छी और लाभप्रद जानने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ पर दे रखा है 5, और ये जो संख्या दे रखी है वो भी बहुत अच्छी संख्या दे रखी है।
उसके आगे देखिए यहाँ पर एक दो तीन और ये चार और यहाँ पर एक दो तीन, ये संख्या दे रखी है। इसका मतलब दस होता है, इसका मतलब भी दस होता है, इसका मतलब दस, इसका मतलब दस, इसका मतलब दस, तो दस प्लस दस प्लस दस और इसका मतलब होता है तीन। और ये तो तीन है, ये कितने हैं पांच, और ये हो गए दस और तीन तेरह, और ये हो गए अपने पास में एक दो तीन चार फोर्टी थ्री। तो देखिए तीन गुणा एक बराबर तीन प्लस दो बराबर क्या हुए पांच, प्लस दो बराबर क्या हुए पांच, पांच गुणा दो बराबर दस, दस प्लस तीन कितने हुए तेरह, तेरह गुणा तीन बराबर उनतालीस, उनतालीस प्लस चार कितने हुए तैयलीस, और यहाँ पर हो गए तैयलीस गुणा चार, तो ये हो गए तीन और एक, ये चारतिया बारह, चारतिया बारह और चार चौक सोलह और एक सत्रह, जोड़ेंगे कितने इसमें पांच, तो एक सौ सतहत्तर। एक सौ सतहत्तर के लिए हमें संख्या ढूंढनी, तो एक सौ सतहत्तर के लिए दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर ये अब अगर हमें पूरी यहाँ पर रोमन संख्या आए तो हम इसका जवाब दे सकते हैं, अगर रोमन संख्या नहीं आए तो हम इस प्रश्न का जवाब दे ही नहीं सकते कभी भी। तो इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्यों होगा उसकी भी मैं स्लाइड लेकर के आया हूँ, सी एल डबल एक्स और यहाँ पर क्या होगा वी सॉरी ये सात। तो देखिए एक बार वो इससे आगे वाली स्लाइड दिखाइए, 177 तो आपका सही है लेकिन ये एग्जैक्टली इसका बी उत्तर होगा। बी क्यों होगा, देखो इसका मतलब तो क्या होता है सात, इसका मतलब क्या होता है दस, इसका मतलब क्या होता है दस, एल का मतलब यहाँ पर पचास है, एल का मतलब क्या है पचास, और सी का मतलब क्या है यहाँ पर सौ, सी का मतलब क्या है सौ, तो सौ और पचास डेढ़ सौ, डेढ़ सौ एक सौ साठ, एक सौ सत्तर और एक सौ सतहत्तर। तो इसका उत्तर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सी का मतलब पचास सौ है, एल का मतलब पचास है, बाकी दस तक की और सात की आपको संख्या आती है, इसमें कोई समस्या है नहीं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। हो सकता है आप इसके लिए अपडेट नहीं हो लेकिन डी का मतलब यहाँ पर 500 है, एम का मतलब यहाँ पर 1000 है और वी के ऊपर डेक्स का मतलब 5000 है, एक्स के ऊपर डेक्स का मतलब 10000 है और टो जो है उसका 50000 और ये बाकी की पूरी रोमन संख्या की गिनती दे रखी है। तो इसी के साथ में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए वो वापिस से वो क्वेश्चन लगाओ सर जो अभी लगाया था इससे पहले वाला। हाँ अब देखिए 208 है, 208 है, उसके बाद में 106 है, उसके बाद में 50 है, उसके बाद में 29 है और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये इसका लगभग आधा है। 208 में मैं किसका भाग लगाऊं दो का तो मुझे मिलेंगे 104, 104 में मैंने दो जोड़े तो क्या मिले 106, 106 में मैं किसका भाग लगाऊं दो का तो मुझे मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर पांच और तीन त्रेपन, और माइनस क्या करूं मैं तीन तो मुझे क्या मिलेंगे 50, 50 में मैं किसका भाग लगाऊं दो का तो मुझे मिलेंगे 25 और प्लस चार करूं तो मुझे क्या मिलेंगे 29, और 29 में मैं किसका भाग लगाऊं दो का तो मुझे मिलेंगे यहाँ पर एक और चार 14.5 और माइनस क्या करूं मैं पांच तो मुझे मिलेंगे 9.5, यही मेरा उत्तर होगा 9.5 जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में आ रहा है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में। अपडेट हो गए हम इसी क्वेश्चन से बिल्कुल। ललित कुमार जी को वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका ललित कुमार जी, और कुछ नया सीखने को मिला रवि कुमार जी, बिल्कुल ये तो हार्ड था। सरोजी चौधरी साहब का भी हार्दिक स्वागत है, क्वेश्चन हार्ड था लेकिन हार्ड नहीं था वो, हमें सीखना जरूरी था, हो सकता है कि अपनी लाइफ में कभी वो चीजें काम में आ जाए। तो इसके लिए डी ऑप्शन बता रहे हैं, डी नहीं है, डी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक बार इस पर नजर डालिए कि पहले में दो जुड़ रहे हैं, फिर तीन घट रहे हैं, फिर चार जुड़ रहे हैं, फिर पांच क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसी के साथ में बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए सर और फटाफट से उसका आंसर करते हैं दोस्तों जल्दी से। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है आज का और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं और करते हैं। चार गुणा चार की मैट्रिक्स मिली है हमें जिसमें 12, 18, 28 और 57, यहाँ पर जो संख्या मिली है 27, 4 और 9, यहाँ पर जो संख्या मिली है 36, 6 और 12 और यहाँ पर ये 14, 32 और 16 और यहाँ पर जो संख्या मिली है वो क्वेश्चन मार्क 32 और यहाँ पर है 48, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है या 32 है। देखिए अगर मैं इस लाइन में देखूँ, अगर इस लाइन में देखूँ तो ये डिविजिबल संख्या नहीं है, पहाड़े की संख्या नहीं है, लेकिन मैं इस लाइन में देखूँ तो ये पहाड़े की संख्या है,
ये पहाड़े की संख्या है और हमें बीच वाली संख्या चाहिए, तो मतलब चार कैसे आए, छह कैसे आए, 32 कैसे आए, अगर हम ये पता लगा लें तो इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। वो अपनी क्लास रिकॉर्डेड है संतोष जी, आप उसको रोक करके आसानी से देख सकते हो, हम बहुत ही आगे पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं अगर 12 और 9 को मल्टीप्लाई करूं और उसमें किसका भाग लगा दूं, 27 का, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, 4। 12 और 9 को मैं गुणा करूं और उसमें किसका भाग लगा दूं, 27 का। देखिए, 9 गुणा 9 का भाग दिया 3 बार, 3 से इसको काटा 4, तो 4 उत्तर मिल रहे हैं, यहाँ पर 4 उत्तर मिल रहे हैं। उसके आगे मैं 18 और 12 को गुणा करूं, उसमें किसका भाग लगा दूं, 36 का, तो 18 ये हो गए 18 दूनी 36 और 2 का भाग लगाऊं तो इधर 6, तो मुझे क्या मिल रहे हैं, 6 भी मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं 28 गुणा 32 करूं, यहाँ पर क्या करूं मैं, सॉरी 28 गुणा 16, 28 गुणा क्या करूं मैं, 16, और उसमें किसका भाग लगाऊं, 14 का, तो 14 दूनी 28 और 16 दूनी कितने होते हैं, 32, 32 भी मिल रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर मैं 57 और ये 32 का मल्टीप्लाई करूं, 57 और 32 का क्या करूं मल्टीप्लाई, और उसको किससे डिवाइड कर दूं, 48 से, तो 16 दूनी 32 और 16 गुना 3 48 और 3 का भाग इसमें दूं तो 19 बार, और यहाँ पर 19 दूनी कितने हैं, 38, तो मेरा उत्तर क्या आएगा, 38 आएगा, बी ऑप्शन इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बराबर की संख्या मिले और जब डिविजिबल हो या पहाड़े की संख्या हो तो कुछ इस टाइप से मेथड को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं आज के 12 नंबर क्वेश्चन पे, 11 और 12 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, तो आज का 12 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की क्लास में बहुत कुछ, वैसे सब कुछ सीखने को ही मिलेगा, सारी चीजें सीखने की है यहाँ पर। तो देखिए, पहले में जो हमें दे रखा है, यहाँ पर पहले वाले में जो हमें दे रखा है वो 96, 36 और 24, और उस दूसरे वाले में जो संख्या दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है 144 दे रखी है, और ये यहाँ पर 36, 12 और यहाँ पर कितना है, 48, और तीसरे वाले में हमें संख्या दे रखी है 96, जो कि यहाँ पर संख्या है 16, 24 और 32। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक नज़र में हम देखते हैं। अनिल कुमार जी, अभी तक कोई ऐसी न्यूज आई नहीं है कि 11 और 12 मई को होगा, ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। हाँ बिल्कुल सरोज जी चौधरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, ये जो संख्याएं हैं, ये पहली चीज तो मेरा दिमाग इसमें गया है कि ये इसके एलसीएम है, ये इसके क्या है, एलसीएम, ये भी इसका एलसीएम ही है। एलसीएम का मतलब है कि 36 का भाग 44 में लग रहा है, 12 का भाग भी 144 में लग रहा है, 48 का भाग भी 144 में जा रहा है पूरा, 16 का भाग 96 में लग रहा है, 24 का लग रहा है और 32 का भी लग रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम देखना हमें, आप ऑप्शन की सहायता से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। 144 में 96 का भाग नहीं लग रहा है, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, 288 में भाग जा रहा है, 96 का भी जा रहा है और 36 का भी जा रहा है और 24 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है, 36 का भी जा रहा है और 96 का जा रहा है, तो मैं इसका उत्तर 288 करूंगा क्योंकि मुझे मिल गया है। लेना ही एलसीएम था इसमें, लेना ही क्या था मुझे, एलसीएम लेना था। व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो रही है फर्स्ट इंडिया न्यूज के नाम से। दोस्तों देखिए, जब तक आपको वेबसाइट पर कोई अपडेशन नहीं मिले तब तक आप उस बात को माने ना, अफवाहों से डरे ना, क्योंकि वो विद्यार्थी के तैयारी में दखल डालने के लिए ही ऐसी भ्रमित न्यूज चलाई जाती है, तो आप उनसे डरे ना और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई अपनी निरंतर रखें आप। और फेक न्यूज है सारी की सारी, जब तक आपको ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान पुलिस नाम से, आप गूगल पे सर्च करिए, अगर उस पर आपको ऐसी न्यूज मिलती है तो मैं खुद भी आपको बताऊंगा वो न्यूज। तो एग्जाम बहुत हुए और भी हो जाएंगे, पहले अच्छी पढ़ाई कर लो। बहुत ही अच्छी बात कही है बीएल बिश्नोई साहब ने, ये बहुत शानदार बात कही है कि एग्जाम तो कभी भी हो लेकिन हमें अपनी पढ़ाई पर तैयारी पर चार चांद लगाने चाहिए ताकि चंद्रयान फेल नहीं हो कभी भी। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। निम्न दिए गए आकृति में त्रिभुज लड़कियों को दर्शाता है, त्रिभुज जो क्षेत्र है वो किसको दर्शा रहा है, लड़कियों को, वर्ग जो क्षेत्र है वो खिलाड़ियों को दर्शा रहा है और वृत्त है वो कोच को, तो आकृति में कौन सा भाग उन लड़कियों को दर्शाता है जो खिलाड़ी है पर क्या नहीं है, कोच नहीं है, खिलाड़ी है पर क्या नहीं है, कोच नहीं होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर।
तो कोच के लिए हम गोले वाले को तो छोड़ ही दें, अब हमें ऐसा अक्षर ढूंढना है जो त्रिभुज के अंदर भी हो और स्क्वायर अर्थात वर्ग के अंदर भी हो। तो वो अक्षर कौन सा है यहाँ पर, ओनली वन कौन सा है, क्यू, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में। अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो पी केवल लड़कियों को दर्शा रहा है, एस जो है वो केवल खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, क्यू जो है वो इसका प्रश्न का उत्तर है जो लड़कियों को भी दर्शाता है और खिलाड़ियों को, आर है वो जो तीनों को दर्शा रहा है, यू ओनली कोच को दर्शा रहा है, टी जो है वो कोच और खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, तो इसका उत्तर क्यू है। तो अच्छी बात है सर, तैयारी जोरों पर है, बस आग लगा देंगे। बिल्कुल आग के लिए तैयार रहें दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले अगले क्वेश्चन के ऊपर, उस पे आग लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, ए बी का पुत्र, ए का पुत्र बी, ए का पुत्र कौन है बी, ए का पुत्र, ए का पुत्र बी, बी मतलब प्लस, सी से विवाहित है, सी से विवाहित है इसका मतलब सी क्या है माइनस, और ये दोनों क्या है पति पत्नी, ये दोनों क्या है आपस में पति पत्नी। उसके आगे देखिए क्या बोला है, जिसकी बहन, जिसकी यहाँ पर किसकी बहन, सी की बहन, जिसकी बहन डी, जिसकी बहन डी, अब ये दोनों बहनें हो गई, ये दोनों आपस में क्या हो गई बहनें, बहनें हो गई, ये दोनों आपस में क्या हो गई बहनें, जिसकी बहन डी का विवाह किससे हुआ है ई से, जिसकी बहन डी का विवाह किससे हुआ है ई से हुआ है, जो कि बी का क्या है भाई है, जो कि बी का क्या है भाई है। अब यहाँ पर ये भी बहुत गंभीरता वाला क्वेश्चन है, जो कि बी का क्या है भाई, अब ये दोनों क्या हो गए भाई, ये दोनों दोनों क्या हो गए भाई, और ये वो रिश्ता हो गया जो हमारे पुराने प्रचलित गांव के अंदर चलते थे कि दो भाई है तो दो बहनों का एक साथ विवाह कर दिया, दो भाई है तो उन्हीं दोनों भाइयों से एक दोनों बहनों का एक साथ क्या कर दिया विवाह कर दिया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो सी तो ई के क्या लगेगी साली, और डी बी के क्या लगेगी साली, डी बी के क्या लगेगी साली, बी जो है वो डी के जीजा लगेगा और ई जो है वो सी के क्या लगेगा जीजा लगेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डेली चलती है क्या क्लास, बिल्कुल देवेंद्र कुमार जी ये क्लास डेली चलती है और बहुत ही अच्छे तरीके से चलती है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। अनिल कुमार जी बोल रहे हैं सर जी घड़ी और कैलेंडर वाली प्रश्नावली नहीं समझ आती मेरे को, तो इसका कोई गेला करो, तो बिल्कुल इसका गेला कर रखा है, अपनी क्लासेज है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, प्लेलिस्ट के अंदर है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए उस क्लास को देखिए, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो इसी तरह क्लास चलती है, उसमें आप कमेंट करके वो कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस टाइप का प्रश्न हमें बताया जाए। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये ब्लड रिलेशन से, कि दो भाई सगे भाई और दो सगी बहनों का विवाह, इस प्रश्न के माध्यम से एक अलग ही मतलब जानकारी दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है और फटाफट से उसका आंसर आने दीजिए आप जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। अब देखिए ये अब होना ऐसे चाहिए था कि ये कॉन्सेप्ट ब्लड रिलेशन में लगना चाहिए था, लेकिन ये आ गया दिशा परीक्षण में, दिया गया प्रश्न निम्न जानकारियों पर आधारित है, ए हैज बी का अर्थ है बी ए से एक किलोमीटर दाएं पर है, बी ए से एक किलोमीटर दाएं पर, ए ये डॉलर बी का अर्थ है बी ए से एक किलोमीटर उत्तर में है, तो यहां पर हमें हल करना है एम और उसके बीच में हैज का चिन्ह है और एन और यहाँ पर डॉलर का है और यहाँ पर टी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नए पैटर्न का है, कंप्यूटर की क्लास भी रिकॉर्डेड है दोस्तों, वो भी आप देख सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिए आप। अभी एम हैज एन का अर्थ है कि एन एम से एक किलोमीटर दाएं है, एन है जो एन से एम से एक किलोमीटर दाएं है, एक मीटर दाएं है, तो यहाँ पर एम से एम का दाया इस तरफ होगा, यहाँ पर किसको रखूं मैं एन को, एन जो है वो एम के दाएं है एक मीटर, ये दूरी कितनी हुई अपनी एक मीटर। उसके आगे लिखा हुआ है एन डॉलर टी, तो इसमें है कि टी जो है वो एन से एक मीटर उत्तर की ओर है, तो ये होगी एक मीटर उत्तर की ओर, यहां पर कौन आ गया टी, उत्तर दिशा होगी एन के। अब हमें पूछा जा रहा है टी एम से, इस एम से टी किस दिशा में है, तो देखिए एम के तो ये दिशा कौन सी हुई पूर्व दिशा, M के ये दिशा कौन सी हुई उत्तर दिशा, और M से T की ये दिशा कौन सी हुई उत्तर पूर्व दिशा, ये दिशा कौन सी हो गई उत्तर पूर्व दिशा, और उत्तर पूर्व के लिए अपना ऑप्शन कौन सा होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है वो इसका बहुत ही अच्छा जवाब होगा। और मदन लाल जी
आपका हार्दिक स्वागत है एमस्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। जोक हो गया क्वेश्चन में, बिल्कुल जोक था वो। और इसका बी ऑप्शन होगा, बी उत्तर। और ये इस टाइप का पैटर्न है जो ब्लड रिलेशन के ऊपर भी चलता है, लेकिन आज एक नई जानकारी आपको देखने को मिली है, तो हो सकता है कि ये एग्जामिनर की दृष्टि पड़े और ऐसे क्वेश्चन पर, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए सर, अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन। अब ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और बड़ा ही मजा आने वाला है। डेविड किसी इमारत की 11वीं मंजिल से लिफ्ट लेता है और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। 11वीं मंजिल से और 57 मिनट प्रति सेकंड, 57 मंजिल प्रति मिनट है, 57 मंजिल प्रति मिनट, 57 मंजिल प्रति मिनट है ऊपर जा रहा है। और उसी समय अल्बर्ट 51वीं मंजिल से लिफ्ट लेता है, उसी समय 51वीं मंजिल से लिफ्ट लेता है और वह 63 मंजिल प्रति मिनट, 63 मंजिल प्रति मिनट, 63 मंजिल प्रति मिनट है जो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यदि वे दोनों इसी दर से अपनी यात्रा जारी रखे तो दोनों किस मंजिल पर मिलन करेंगे? तो बराबर करना है इन दोनों को, इन दोनों को क्या करना है, बराबर इन दोनों की स्पीड निकालनी है। तो 11वीं से शुरू की इसने, कौन सी से शुरू की, 11वीं से, और किस स्पीड से चल रहा है, 57 प्रति, अब पता नहीं कौन सी मंजिल पे है, 57 प्रति मिनट चल रहा है, मंजिल का पता नहीं है। 11वीं से शुरू की है इसलिए 11वीं में मैं 57 जोड़ूंगा, और x इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता नहीं कौन सी मंजिल पे चल रहा है, वो मंजिल ही हमें पता लगानी है, मतलब 11 के साथ में हमें उसको x का मान जो भी है वो जोड़ना है। यहाँ पर 51वीं मंजिल से शुरू किया उसने और वो नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो मैं यहाँ पर किसका चिन्ह लगाऊंगा, माइनस का। और किस स्पीड से आ रहा है, 63x स्पीड से आ रहा है, स्पीड को मैंने x माना है यहाँ पर। अब इन दोनों को बराबर किया तो यहाँ पर 11 को तो उधर भेजा और 63 को इधर भेजा, तो 57x प्लस क्या हो जाएंगे, 63x बराबर 51 माइनस क्या हो जाएंगे, 11, 11 उधर जाएंगे तो माइनस के, 57 और 63 कितने हो जाएंगे, 10 और 120x और बराबर में ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 51 में से 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/3, x का मान कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ये मान आप यहाँ पर रखो या ये मान आप यहाँ पर रखो, एक ही बात है। तो x का मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो 11 प्लस 57 गुणा क्या हो जाएगा, 1/3, 3 से मैंने इसको दे दिया कितनी बार, 19 बार, तो 11 प्लस 19 बराबर कितने हुए, 30, वो 30वीं फ्लोर पर है जो जाकर के दोनों आपस में मिलेंगे। मैथ का क्वेश्चन लग रहा है, मैथ का नहीं है ये रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल इस बार राजस्थान पुलिस में लगेंगे, सभी साथी लगेंगे, नीलाधर जी, योगी साहब, बिल्कुल सर, पेपर और किस किस के लग रहे हैं, पेपर अभी दोस्तों हिंदी राजस्थान हाईकोर्ट के लग रहे हैं, इंग्लिश के लग रहे हैं, राजस्थान जीके के लग रहे हैं, और अपने दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के भी कंटिन्यू लग रहे हैं। अपने बद्री नारायण जी साहब का हार्दिक स्वागत है, इशिता जी को भी वेरी गुड इवनिंग स्वागत है, नीलाधर जी, योगी साहब का भी स्वागत है, और हालचाल बढ़िया है। राजेश जी गोयल साहब, पेपर की डेट आ गई क्या, पेपर की डेट अफवाह है अभी, आप उस पर ध्यान नहीं दें। और हाँ बिल्कुल, जो स्टूडेंट आज नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही अच्छी बात बताई अपने बीएल बिश्नोई सर हैं। सुबह 9 बजे मैथ की क्लास होती है और बहुत ही लाजवाब और उम्दा तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक एक चीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहे हैं। तो सुबह 9 बजे तो मैथ और रात को 9 बजे रीजनिंग, बड़ा ही खतरनाक संगम है इनका मैथ और रीजनिंग का, और हमेशा रहता है, पुराना है नाता इसका। तो आप सुबह 9 बजे भी, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि सुबह 9 बजे भी आप क्लास लें मैथ की बीएल बिश्नोई सर के द्वारा, और कुछ नया ही अंदाज आपको देखने को मिलेगा कि वास्तव में मैथ इस तरीके से हम सीख सकते हैं। छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज आपको सर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लगाया जाए सर, अगला क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन लगाया जाए सर, ताकि सभी विद्यार्थी अपने उसका आंसर दे सके। टाइमिंग क्या है सबकी, टाइमिंग के लिए दोस्तों आपको सुबह 7 से लेकर के 10 बजे तक, 7 बजे राजस्थान जी के, 8 बजे आपको मिलेगी साइंस की क्लास, 9 बजे आपको मिलेगी मैथ की क्लास, फिर उसके बाद में शाम को 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक डेली क्लास लगती है। हाँ तो चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बेल,
बेल का यहां पर क्या दिया है 94, और उसी प्रकार से दोस्तों 94 नहीं है तो बड़ा कोड है 9469 और उसके आगे है 36, और उसी प्रकार से कार का जो कोड दिया है आपको, कार का दिया है 116 और 4361 ये दिया है। अब देखिए ये आपको दे रखे हैं और आपको किसका पूछा है, टोय का। तो पहली चीज जब मैं इस प्रश्न को देखूं तो सर ऐसे कब पता चलेगा कि इस जगह से कितने फॉर्म आए हैं, तो इसके बारे में तो कभी पता नहीं चलेगा दोस्तों। अगर दोस्तों पहली प्रथम दृष्टया में देखूं तो ये सारे के सारे जो संख्याएं हैं वो वर्ग संख्याएं हैं, सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो क्या है, वर्ग संख्याएं हैं 16, 4, 36, 361 ये वर्ग संख्याएं हैं। तो हमें वर्ग संख्या निकालनी है। देखो बी आता है दो नंबर पर और यहाँ पर वर्ग किसका दिया हुआ है, 3 का, तो उसमें प्लस 1 करूं तो मुझे कितने मिलेंगे, 3, और 3 का क्या करूं मैं स्क्वायर तो मुझे कितने मिलेंगे, 9। यहाँ पर ए कितने नंबर पर आता है, 1 पर, तो उसमें प्लस 1 करूं और उसका स्क्वायर प्लस वन करते मुझे मिलेंगे 2 का स्क्वायर क्या करूं मैं, 1 में 1 जोड़ना है, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, तो 4। एल आता है 12 पर, तो 12 में मैं प्लस 1 करूं तो उसका स्क्वायर करूं तो कितना मिलेगा मुझे, 13 का स्क्वायर करना है तो 169। ई आता है 5 पर, 5 में मैं प्लस 1 करूं तो मुझे 6 का स्क्वायर करना है, कितना होता है, 36। ये इसका कोड बना है इस टाइप से। हाँ पुलिस को भाई, पुलिस में लगकर मेरा चालान मत काटना। नहीं काटेंगे जी, अपने एम स्टडी परिवार का चालान कोई नहीं काटेगा। अब देखिए टी आता है अपने 20 नंबर पर, तो 20 में मैंने क्या जोड़ा, 1, तो मुझे मिले 21। 21 का स्क्वायर करना है, 21 का स्क्वायर 441। उधर ओ आता है दोस्तों 15 पर, तो 15 में मैंने प्लस 1 जोड़ा, कितने हुए, 16। 16 का स्क्वायर कितना हो गया, 256। वाई आता है 25 पर, 25 में मैंने 1 जोड़ा और कितने मिले मुझे, 26। 26 का यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर, आधा निकालते आपका उत्तर आ जाएगा, वैसे आ गया है 256 और 26 का स्क्वायर 676। और वैसे सर ने आपको एक बात भी बताई थी अपने मैथ वाले गुरुजी ने कि आपको 35 तक सारे के सारे वर्ग है जो याद रहने चाहिए। पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो आपका सबसे पहले काटेंगे। बिल्कुल, राजस्थान पुलिस का मेडिकल बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। महेंद्र जी सोनी साहब धन्यवाद इसके लिए, सोनी साहब को। तो चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन लगाया जाए सर। हाँ, और ये शायद अंतिम क्वेश्चन है आज का, ये आज का अंतिम क्वेश्चन, एक और है इसके बाद में। और अपने अनिल कुमार जी बिल्कुल धन्यवाद आपको, और आज जोक भी सुनाऊंगा दोस्तों मैं आपको, तो तैयार रहिए आप जोक के लिए भी। देखिए नीचे प्रश्न आकृति दिखाई हुई है, उसको कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसी दिखाई देगी, तो मैं इसका डायरेक्ट ही उत्तर बता देता हूँ। डायरेक्ट उत्तर है इसका सी ऑप्शन है, वो इसका डायरेक्ट उत्तर है। देखिए ये सी ऑप्शन वाली आकृति है और जिसमें आकृति कुछ इस प्रकार की दे रखी है, ये और ये, तो ये खोलेंगे तो ये इस तरीके से हमारी आकृति, अच्छा उल्टी बनेगी नीचे की तरफ ये, तो इसका सी ऑप्शन है जो मैं उत्तर दे देता हूं दोस्तों। तो चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन के ऊपर। तो अंतिम क्वेश्चन लगाया जाए, प्रतीकों के लिए दिए गए अनुक्रम से सही प्रारूप का चयन करिए, आप सही प्रारूप का चयन करना है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए और फिर जोक के लिए आप तैयार हो जाइए सभी साथियों से। और अपनी क्लास को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वो लाइक जरूर करें। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, तो इसलिए मैं ये आपके हवाले करता हूँ, आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आने दीजिए और मेरे जोक पे थोड़ा गौर फरमाइए आप, जोक पर थोड़ा सा गौर फरमाइए आप, जोक बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, सुनिए। इसका भी सी उत्तर होगा, बिल्कुल सही जवाब बताया सीता जी ने, सुधांशु जी ने, शीतल जी ने, मंजे जी ने और अभिषेक सेन साहब ने, विनोद जी साहब ने, अमन जहांगीर साहब ने और शीतल जी ने गलत उत्तर दे दिया है, डी ऑप्शन नहीं होगा इसका। ललित कुमार जी का उत्तर बिल्कुल लाजवाब है। जोक सुनिए आज का, महिला डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि डॉक्टर साहब मेरे पति है जो रात में बातें करने लगते हैं, रात में बोलते हैं, क्या करूं। महिला डॉक्टर के पास गई भागते भागते और बोला कि आप है जो डॉक्टर साहब मेरे पति है जो रात को बातें करते हैं, बोलते ज्यादा है, तो उसके लिए क्या करूं।
तो डॉक्टर साहब ने बोला कि उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए, आप दिन में बोलने का मौका दीजिए ताकि वो रात में ना बोले, वो दिन में बोलने ही नहीं देते आप उनको, इसलिए वो कहाँ बोलते हैं, रात को सोते वक्त बोलते हैं। अब पति बोल रहा है अपनी पत्नी को, सुनो रात भर मोबाइल चार्जिंग पे मत लगाना, बैटरी फट जाएगी। तो पति भी थोड़ा सरदार टाइप का है और बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं बैटरी निकाल कर चार्जिंग पर लगाऊंगा, लगाऊंगी है वो, सॉरी। पति अपनी पत्नी को बोल रहा है कि आप रात भर मोबाइल को चार्ज मत करना, नहीं तो बैटरी फट जाएगी। तो पत्नी बोलती है कि आप चिंता ना करें, मैं उस मोबाइल की बैटरी निकाल कर फिर ही चार्ज पर लगाऊंगी, तो बैटरी फटेगी ही नहीं उसकी। तो बहुत ही अच्छा जोक था ये। हाँ अब देखो, ये बहुत सीखने वाला जोक है, इसको सुनो। बेटा पापा से बोलता है कि कार की चाबी दो, कॉलेज जाना है, फंक्शन है। बेटा अपने पिताजी से बोल रहा है, तो पिताजी बोल रहे हैं क्यों? तो बेटा बोल रहा है, 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी। तो पापा बोलते हैं कि ले पकड़ ये 10 रुपए, 30 लाख की बस में जाएगा तो और भी ज्यादा शान बढ़ेगी तेरी। तो ये भी बहुत मतलब अच्छा जोक था। इसके आगे वाला सुनिए आप। ट्रेन में दो यात्री थे और पहला, व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है, व्हाट्सएप है जो इंसान को हमेशा क्या करता है, आगे बढ़ाता है। दूसरा, वो कैसे? तो पहला बोलता है, आप मुझे देख लीजिए, 2 स्टेशन पीछे उतरना था लेकिन 2 स्टेशन आगे आ गया व्हाट्सएप चलाते चलाते। तो आप व्हाट्सएप के चक्रों में ना रहे, पढ़ाई करें, एमस्टडी यूट्यूब चैनल की आप सारी क्लासे देखें, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के राजस्थान पुलिस में आप शोर सिलेक्शन लें, और यही आशा है, यही उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो, जल्दी से जल्दी हो। आप मेरा नाम बोलो, तो बिल्कुल सुनील कुमार जी, आपका हार्दिक स्वागत है एम स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे कल फिर पुनः इसी जोश के साथ में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट और धन्यवाद आपका।